नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टाविता लोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव रंजन, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ शिक्षक बनने की राह में हमारी ही आज देख रहे होंगे। रवि सर के द्वारा कल आपको एक वीडियो दिया गया था जिसमें आपको बताया गया था कि हमारे संस्थान में, जो कि उत्तर भारत बल्कि पूरे भारत का सबसे अच्छा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, एक बार पुनः हम लोग सुपर टेट का एक नया और नवीनतम बैच प्रारंभ करने चल रहे हैं जिसमें आप लोग सादर आमंत्रित हैं। जैसा कि हमेशा आप मीडिया के माध्यम से सुनते आ रहे हैं कि 51,000 पद जो हैं वो आने वाले हैं और ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है, उसका प्रमाण भी है आपके पास कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती जिसको हम लंबे समय से सुनते आ रहे थे कि आने वाली है और एकदम से वैकेंसी आ गई, उसी प्रकार ये वैकेंसी भी बहुत जल्द ही आपके सामने होगी। इतना बड़ा सिलेबस है और इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आज से ही इस बैच को आपके लिए प्रारंभ किया जा रहा है और इसमें मैं आपको भूगोल एवं पर्यावरण समझाऊंगा और साथ ही साथ इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको और कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी पुराने बैच के स्टूडेंट हैं, किसी भी बैच में पढ़े हैं, वो आपको अच्छे से बता सकते हैं कि कितनी ईमानदारी पूर्वक आपको क्लास यहाँ पर दी जाएंगी। आइएगा पहले सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है सुपर टेट का, वो पाठ्यक्रम क्या है। और ये वही पाठ्यक्रम जो पहले था, अभी इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं है, तो सेम टू सेम मैंने वही पाठ्यक्रम यहाँ पर लिखा है, भूगोल एवं पर्यावरण। और भूगोल एवं पर्यावरण बात अगर हम करते हैं, वैसे देखा जाए तो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन का जो पोर्शन है वो मात्र 10 नंबर का है, मात्र 10 नंबर का ही आता है। लेकिन आपको नंबर से मतलब नहीं कि 10 नंबर से का आता है, हो सकता है कि आप यूपीटीईटी के परीक्षण है या अन्य कोई भी परीक्षण है, आपको इतना अच्छा समझाया जाएगा, इतना अच्छा पढ़ाया जाएगा कि आप किसी भी परीक्षा को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो कभी भी दिमाग में यह मत लाइए कि यह 10 नंबर का है और इसमें हमें इतना पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा, क्योंकि पढ़ाई जो होती है वो कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। तो अगर हम बात करते हैं सुपरटेट के सिलेबस पर भूगोल एवं पर्यावरण में, तो पहला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की हम आंतरिक परतों को जानेंगे जो कि 3 होती हैं, बखूबी आपको समझाया हूं जो लोग पेड बैच के विद्यार्थी हैं कि एक होती है आपकी सियाल, उसके बाद सीमा, उसके बाद निफे। तो रासायनिक संरचना के आधार पर ने सियाल, सीमा, निफे कहते हैं। स्विस महोदय ने इसका वर्गीकरण किया था, या इसी को दूसरी भाषा में क्रस्ट, मेंटल और कोर भी कहते हैं। दूसरा टॉपिक है जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और पूरा भूगोल इसी से चलता है, अक्षांश एवं देशांतर, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस, ठीक ना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है वो आपका हो गया अक्षांश एवं देशांतर टॉपिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत अच्छे से आपको समय निकालना हो, टेम्परेचर ज्ञात करना हो, तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण, लंबवत वितरण, सब कुछ आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा अक्षांश एवं देशांतर को अगर आपने अच्छे से समझा। उसके बाद मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियां, और इसी पृथ्वी की गतियों से हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट भी करेंगे, पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ। उसके बाद सौरमंडल, सोलर पैनल हमें समझना है, अपना सोलर सिस्टम पूरा समझना है। ट्रैफिक यानी यातायात, ट्रांसपोर्ट समझना है, और यहां से प्रत्येक बार 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं यातायात, और यातायात में यहां पर न केवल भारत का यातायात है बल्कि भारत के यातायात के साथ साथ यहां पर हम बात करेंगे विश्व यातायात की भी, ठीक ना, तो भारत और विश्व दोनों। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, और पर्यावरण संरक्षण बल्कि इसी में अगर बात की जाए तो जितने भी पर्यावरण से संबंधित अधिनियम हैं, जितने भी पर्यावरण में जो जीव जंतु हैं उनके संरक्षण से संबंध जो भी योजनाएं चलाई गई है, जैसे बाघ योजना, प्रोजेक्ट टाइगर, हंगुल परियोजना, हाथी परियोजना, है ना, घड़ियाल परियोजना, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, आपका गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र, ये सब हमें यहीं पर पढ़ना है। बायोडायवर्सिटी भी यहाँ पर पर्यावरण के संरक्षण में, यहाँ पर हम बायोडायवर्सिटी और जैव विविधता के संरक्षण की विधियां उन सबको यहाँ पर देखेंगे। प्राकृतिक संपदा की अगर हम बात करते हैं, प्राकृतिक संपदा खनिज की बात हो रही है यहाँ पर, खनिज, एक तो खनिज की भी बात हो रही है और खनिज के साथ साथ जो हमारे नवीनीकरण उपकरण हो गए हैं, अब नवीनीकरण और अनवीनीकरण दो प्रकार की ऊर्जाओं को हम इसमें अगर बांट लें
तो जैसे हमारी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, अभी आपने सुना होगा सीएनजी बहुत पॉपुलर है, कूड़ा से भी ईंधन बनाया जा रहा है, उससे भी ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है, तो ये सब हमारी क्या है, ये हमारी संपदा है। तो इसमें हमें दोनों संपदाएं पढ़नी है। कुछ ऐसी संपदाएं हैं जो प्राकृतिक हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो मानव जनित हैं, तो इनमें हम दोनों संपदाओं को आपको पढ़ाएंगे, दोनों की बात होगी, प्राकृतिक भी और मानव जनित भी। तो एक पाठ्यक्रम तो ये है और इसी का थोड़ा स्वरूप मैंने यहां पर लिखा है, भारतीय भूगोल और भारतीय भूगोल में पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक भूगोल, ठीक ना, भारत का परिचय है, भारत की मिट्टी है, भारत के भौतिक प्रदेश है, भारत की नदियां हैं, भारत की जलवायु है, भारत की कृषि है, इन सब का हम यहीं पर अध्ययन करेंगे। महाद्वीप एवं महासागर, साथ के साथ महाद्वीप पढ़ेंगे, सभी महासागरों का अध्ययन करेंगे, सागरों का खाड़ी क्या होती है, चैनल क्या होती है, जलसंधियां, कई बार जलसंधियां पूछी जाती हैं, महासागरों में ही आपकी जलधारा है, ओशियन करंट आ जाता है, ओशियन करंट आपसे पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में अलग से एक पॉइंट लिखा था, नदियां एवं पर्वत, हम भारत की भी नदियां पढ़ेंगे, हम महाद्वीपों में विश्व की भी नदियां पढ़ेंगे, हम भारत के भी पर्वतों को पढ़ेंगे, हम विश्व के भी पर्वतों को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ओवरऑल ये सिलेबस है, पिछला सुपर टेट का जो बैच हमने चलाया था उसमें जहां तक मुझे याद है तो लगभग मैंने 80 से 90 क्लासें पढ़ाई थी, जिसमें पूरा का पूरा भूगोल और पूरा का पूरा पर्यावरण और साथ ही साथ यूपी विशेष का जो भी बचता है आपके रवि पी तिवारी सर और हमारे द्वारा दोनों लोग हम लोग सम्मिलित रूप से आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो ये ओवरऑल आपका पूरा सिलेबस है पर्यावरण का, भूगोल और पर्यावरण का, ठीक ना, चलेगा। तो इस बैच में प्रवेश लेने के लिए आपको कार्य इतना करना है कि इस नंबर पर 9125423936 पर एस्टेट एंट्री लिखकर, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से एस्टेट एंट्री लिखकर सेंड कर देना है। आपको एडमिशन की प्रक्रिया, उसकी शुल्क, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। और बाबू बेफिक्र रहिएगा, मुस्कुराइए, आप टारगेट तालुक में है, यहां पर जो भी कथनी आपसे की जाएगी वो हमेशा उसको किया जाएगा, मतलब है कि कथनी और करनी में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। आलोक सर और रवि सर के निर्देशन में जैसे हम लोग पहले बैच पढ़ाते आ रहे हैं वैसे ही आगे भी उतनी ही गुणवत्ता और जितना भी उसमें हम उसको इजाफा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पूरी कोशिश की जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक ना। चलिए तो आज के हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो मोशन ऑफ अर्थ है ना, पृथ्वी की गतियां। तो सबसे पहले हम यहां से एक टॉपिक लेते हैं, पृथ्वी की गतियां। देखिएगा, मैंने मोशन ऑफ अर्थ लिखा गतियां, अब अगर मैं गति लिखता तो इसका तात्पर्य होता कि पृथ्वी की एक ही गति है, लेकिन मैंने यहां पर शब्द लिखा है पृथ्वी की गतियां, अर्थात एक से अधिक गतियां हैं, अर्थात पृथ्वी जो है वो रोटेट तो हो ही रही है लेकिन दो प्रकार से हो रही है, दो से अधिक प्रकार की, मतलब एक तो नहीं है, एक से अधिक ही है। तो अगर हम पृथ्वी की गतियों की बात करते हैं, ठीक ना, और देखिएगा आप बड़े हो चुके हैं, आप एस्टेट वही तो देगा जो टीटी पास है, और ये तो बताने की आवश्यकता नहीं कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी एक ग्रह है और कौन से नंबर का ग्रह है, ये सारी चीजें बाद में, इतना तो मुझे लगता है अगर मुझसे पढ़े हैं तो इतना तो इससे बल्कि और ज्यादा ही आप जानते होंगे। अगर हम गतियों की बात करें तो पृथ्वी की देखिएगा दो गतियां हैं बाबू, पहली गति जो है इस गति का नाम है रोटेशन मोशन यानी घूर्णन गति, पहली गति है इस गति का नाम है घूर्णन गति, और दूसरी गति की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी गति का नाम है परिक्रमण गति, घूर्णन गति और दूसरी गति जो है वो है आपकी परिक्रमण गति, ठीक ना, घूर्णन गति, रोटेशन मोशन और रेवोल्यूशन, ठीक ना। घूर्णन गति की बात करते हैं तो मान लीजिएगा, अभी मैं आपको घूमकर भी दिखा दूं, मान लीजिएगा ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी पर ऐसा एक अक्ष होता है, तो ये पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर इस प्रकार से गति कर रही है। सपोज दैट मैं पृथ्वी हूं और अगर मैं अपने अक्ष पर इस प्रकार से चक्कर लगाता हूं, तो यदि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाने वाली गति को पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है, ठीक ना। कौन सी गति? पृथ्वी की घूर्णन गति। अक्ष के चारों ओर या अक्ष के परिता, हो
होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। अक्ष के परिता होने वाली गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। चलिए देखिएगा, मान लीजिएगा यहां पर यह आपकी पृथ्वी है, मान लीजिएगा इस प्रकार से आपकी पृथ्वी है और यहां पर इसका ये इस प्रकार से यहां पर ये अक्ष है और संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊष्मा का स्रोत क्या है? तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊष्मा का स्रोत है सन। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊष्मा का स्रोत क्या है? सन है। तो सूर्य के द्वारा प्रकाश आया, तो सूर्य के द्वारा जब प्रकाश आएगा, चूंकि पृथ्वी गोल है और सूर्य के द्वारा जब प्रकाश आएगा तो एक भाग को तो सूर्य की प्राप्ति होगी। सूर्य की प्राप्ति का मतलब है सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति होगी। तो पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य की किरण पड़ती है, अर्थात पृथ्वी के जिस भाग को सौर ऊर्जा या सूर्य तप या सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं, तो वहां पर तो डे हो जाता है, वहां पर क्या होता है? वहां पर दिन होता है। और इसके विपरीत जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, यहां पर क्या हो जाता है? तो यहां पर हो जाती है आपकी नाइट। मान लीजिएगा ए वाला पॉइंट जो है, ए आगे वाला, ए मान लीजिएगा ए पॉइंट है और यहां पर मैं बना देता हूं ए वाला आपका बी पॉइंट है। तो ए वाले पॉइंट को क्या होती है? सूर्य की प्राप्ति हो रही है। यहां पर सूर्य की प्राप्ति यानी सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति हो रही है, तो यहां पर दिन है और इस वाले भाग में क्या है? इस वाले भाग में रात है। अब पृथ्वी चूंकि घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पर, अभी पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट होगी, अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाएगी। जब ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है तो चक्कर लगाने के बाद स्थिति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। अब स्थिति जो है वो कुछ इस प्रकार से बन जाती है कि मान लीजिएगा ये पृथ्वी है और यहां पर ये इसका अक्ष हो गया। अब पीछे वाले भाग में ए पॉइंट चला गया जो आगे था और यहां पर क्या आ गया? यहां पर बी आ गया और अब सूर्य की प्राप्ति किसको होने लगेगी? बी वाले भाग को होने लगेगी। और जब सूर्य की प्राप्ति बी वाले पार्ट को होने लगेगी तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर डे हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगी? यहां पर आपकी नाइट हो जाएगी। यहां पर डे और यहां पर क्या हो जाएगी? तो यहां पर आपकी नाइट हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे पृथ्वी अपने घूर्ण अपने अक्ष के परिता घूमती है, वैसे वैसे दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य की किरणें पहुंचेंगी वहां पर दिन हो जाएगा और जिस भाग में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेंगी वहां पर क्या हो जाएगी? तो वहां पर रात हो जाएगी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि दिन और रात का होना किस गति का प्रभाव है या किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, तो किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो आपकी घूर्णन गति। और चूंकि घूर्णन गति के द्वारा ही दिन रात होते हैं, इसलिए घूर्णन गति को ही हम दैनिक गति कहते हैं। तो घूर्णन गति का एक नाम और मिल गया हमें और घूर्णन गति को एक नाम दे दिया हमने दैनिक गति। अर्थात एक दिन में जो गति होगी पृथ्वी की उसे दैनिक गति कहेंगे। और घूर्णन गति को इसलिए दैनिक गति कहा क्योंकि इसके द्वारा दिन रात होते हैं। और दिन रात की अगर अवधि की बात की जाए तो दिन रात कितने होते हैं? तो हम और आप पढ़ते हैं कि 24 हावर्स का दिन और रात होते हैं, यानी 12 हावर्स का दिन और 12 हावर्स की रात। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये होता है 23 हावर्स 52 मिनट। 23 हावर्स 52 मिनट। यही क्वेश्चन पूछ लिया आयोग ने कि दिन और रात की अवधि कितनी होती है, तो 23 घंटे 52 मिनट की होती है। अगर मान लीजिएगा आपसे ऐसा पूछा जाए कि घूर्णन पृथ्वी घूर्णन गति कितने समय में करती है, तो आप कहेंगे 23 हावर्स 52 मिनट में। और अगर 23 हावर्स 52 मिनट नहीं होगा तो आप कहेंगे 24 आवर्स। क्या कहेंगे? 24 आवर्स कहेंगे। तो घूर्णन गति को ही क्या नाम दे दिया गया? दैनिक गति। अब बात आती है परिक्रमण गति की। और परिक्रमण जो शब्द है, इस शब्द को मैं थोड़ा सा तोड़ दे रहा हूं, इस शब्द को मैं लिख दे रहा हूं परिक्रमा। इस शब्द को मैंने लिख दिया परिक्रमा। शादीशुदा होंगे आप लोगों में से कई सारे लोग, या भगवान जी के कभी घर गए हो, मंदिर गए हो, तो आपने देखा होगा कि बीच में प्रभु हैं और प्रभु के चारों ओर हम क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। शादी हुई होगी आपकी तो मंडप होता है और मंडप के चारों ओर क्या लगाते हैं? मंडप के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और क्या कहते हैं? मंडप की क्या कर रहे हैं? मंडप की परिक्रमा कर रहे हैं।
मंडप की क्या कर रहा है, मंडप की परिक्रमा कर रहा है। आप किसी वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे, हम इस वृक्ष की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमण का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट के, किसी वस्तु के चारों ओर क्या करना, किसी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाना। अब यहां पर कौन सी वस्तु है, तो यहां पर सूर्य है, यहां पर आपका सन है सूर्य, और पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी क्या करती है, इस सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से क्या लगा रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग में परिक्रमा करती है उस मार्ग को दीर्घ वृत्ताकार मार्ग कहते हैं, या कहीं कहीं पर दीर्घ परवलयाकार मार्ग भी लिखा मिलेगा आपको, तो वृत्ताकार मार्ग याद रखिएगा, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग अगर बनाए तो कुछ इस प्रकार से, ऐसा कुछ इस प्रकार से, ठीक ना। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है, ठीक ना। तो हमें यहां से डेफिनेशन मिल जाती है, आपसे पूछेगा परिक्रमण गति का मतलब क्या है, या परिक्रमण गति किसे कहेंगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति को हम क्या कहेंगे, परिक्रमण गति कहेंगे, परिक्रमण गति क्या कहते हैं, तो हम परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक ना। चलिए, अब जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा, जैसे यहां पर हुआ था घूर्णन गणन दिन और रात हो रहे थे तो दैनिक गति, उसी प्रकार जिस प्रकार दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं वैसे ही जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ऋतु में परिवर्तन होते हैं, साथ ही साथ वर्ष में परिवर्तन होते हैं। तो ऋतु में परिवर्तन होने कारण से ऋतु गति भी कहा जाती है या कहा जाता है, और वर्ष में परिवर्तन होने के कारण इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। कैसे, तो आइए हम समझाते हैं आपको, लेकिन यहां पर हम एक शब्द लिख देते हैं कि इसी गति को हम कौन सी गति के नाम से भी जानते हैं, वार्षिक गति। किस नाम से जानते हैं, तो इस गति को ही हम किस नाम से जानेंगे, वार्षिक गति। यानी एक वर्ष में जब पृथ्वी पूरा सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो उस गति को आप परिक्रमण गति भी कह सकते हैं या उसको आप वार्षिक गति भी कह सकते हैं। चलिए देखिएगा, मैंने आपके लिए एक डायग्राम लिया है, और डायग्राम से पूर्व ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पर एस्टेट एंट्री लिखकर सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। याद रखना है व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे आप एंट्री लिखकर भेजेंगे हमारी टीम है आपसे संपर्क करेगी और आपको एडमिशन प्रोसेस बता दिया जाएगा। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ आप आइएगा, जिन लोग जो लोग जुड़े थे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश आइए जुड़कर देखिएगा, उत्तर भारत बल्कि पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ टीम के से आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। चलेगा, अब डायग्राम लेते हैं, देखिएगा ये है, ए है, और ऊपर लिखा भी है द अर्थ एनुअल ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक ना। जो अब पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। यहां पर आप बखूबी देख लीजिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका सन है, ये आपका सन है, और यहां पर पृथ्वी क्या कर रही है, यहां पर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक ना। एनुअल मतलब एक वर्ष में, कितना, एक वर्ष में, ठीक ना। देखिएगा यहां पर जब पृथ्वी है तो यहां पर जब पृथ्वी होती है तो ये डेट होती है 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरण जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है। मैं भी डायग्राम बनाऊंगा, केवल समझा रहा हूं यहां पर। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरण दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं, तो इसको हम दक्षिणी अयनांत भी बोलते हैं, दक्षिणायन भी बोलते हैं, साथ ही साथ शीत अयनांत भी बोलते हैं। उसके बाद 21 मार्च को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर पड़ती है, और जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर पड़ती है तो इसको हम विषुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषुव या इक्विनॉक्स बोलते हैं। उसके बाद यहां से इस प्रकार से ऐसी आ रही है सूर्य पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते, अब 21 जून को सूर्य की किरण जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है कर्क रेखा पर, और इसको हम बोलते हैं उत्तरायण या ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति। कब,
21 जून को, उसके बाद फिर से यहां पर पृथ्वी आ जाती है 22 सितंबर को, और इसको बोलते हैं दक्षिणी विषुव। अगर इसको उत्तरी विषुव तो इसको दक्षिणी विषुव बोलते हैं, दक्षिणी विषुव 22 सितंबर को, उसके बाद फिर से पृथ्वी कहां चली जाती है, यहां। तो इस प्रकार ये पूरा क्या करती है, एक चक्कर लगाती रहती है, ठीक ना। आइएगा इसी डायग्राम को मैं हैंडमेड बनाता हूं, अब देखिएगा। यहां पर इस सन है आपका और यहां पर पृथ्वी है, और पृथ्वी में इस प्रकार से ये 0 डिग्री है। एक ऊपर वाला भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये बात जो हो रही है, ये बात होती है 22 दिसंबर की। कब की बात हो रही है? 22 दिसंबर की। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं। और जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगी तो इसी को हम नाम दे देते हैं दक्षिणायन। क्या नाम दे देते हैं? तो इसको नाम दिया जाता है आपका दक्षिणायन। अब चूंकि दक्षिण में पड़ रही है और दक्षिण में मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, तो इसका एक नाम और हो जाता है, इसका नाम हो जाता है मकर संक्रांति, ठीक ना। ये वो वाली मकर संक्रांति नहीं है जो आप मनाते हैं 14 और 15 जनवरी को। ये मकर संक्रांति जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, ठीक ना। 22 दिसंबर देखिएगा, अच्छे समझिएगा, ठीक ना, रेड कलर से। अब पृथ्वी धीरे 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 चक्कर लगाते लगाते यहां आएगी। कब आती है? 21 मार्च को, 21 मार्च, 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। कहां पर पड़ती हैं? तो 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें आपके विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, और जब सीधी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इसको एक नाम दिया जाता है, और नाम दिया जाता है विषुव। क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है विषुव, ठीक ना। उसके बाद फिर से पृथ्वी इस प्रकार से ऐसे चक्कर लगाते लगाते यहां पहुंचेगी। अब कंडीशन ऐसी बनती है, अब सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही थी, और यहां पर लंबवत किरणें जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं। और अगर इस डेट की बात करते हैं तो आपकी है 21 जून को सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं? 21 जून को आपकी सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, इसलिए इसको नाम दिया जाता है उत्तरायण, या उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है तो कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति, ग्रीष्मायनांत, और इसको बोलते हैं शीतायनांत, ठीक ना। फिर सूर्य पृथ्वी इस प्रकार से ऐसे चक्कर लगाते लगाते यहां आ जाएगी। कब आ जाती है? 23 सितंबर को यहां आ जाती है, और इसको भी क्या नाम दिया जाता है? इसको भी नाम दिया जाता है विषुव। क्या नाम दिया जाता है? तो इसको भी नाम दिया जाता है विषुव। इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से पृथ्वी अराउंड कर रही है, घूम रही है, ठीक ना, लगभग दीर्घवृत्ताकार मार्ग में इस प्रकार से पृथ्वी घूमती है। देखिएगा 22 दिसंबर, मान लेते हैं हम यहां से 22 दिसंबर से पृथ्वी चलना प्रारंभ की और 22 दिसंबर को ही यहां पर आ गई, तो पूरा एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को जो समय लगता है वो लगता है एक वर्ष का। यानी पृथ्वी की जो एनुअल मोशन है या वार्षिक गति है जो, वो एक वर्ष की होती है। और एक वर्ष का मतलब अगर हम निकालते हैं तो 365 डेज 365 दिन प्लस 6 आवर्स। आप इसको 365 दिन प्लस 1/4 दिन भी लिख सकते हैं, 365 सही 1/4 दिन आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की वार्षिक गति कितने समय की होती है तो आप 365 अगर बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, बल्कि 365 दिन प्लस 6 घंटे ऐसा बोल सकते हैं, या 365 सही 1/4 दिन आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक ना। 365 दिन प्लस 1/4 दिन आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा मैंने आपको बताया कि इस गति के द्वारा वर्ष में परिवर्तन होते हैं, साथ ही साथ ऋतु में भी परिवर्तन होते हैं। अब ऋतु परिवर्तन आपको समझना है।
आप बताइएगा संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊष्मा का स्रोत क्या है? तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊष्मा का स्रोत है सूर्य। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊष्मा का स्रोत है सूर्य। जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां पर निश्चित रूप से गर्मी होगी, और जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी वहां पर निश्चित रूप से सर्दी होगी। देखिएगा हो गया रहा है कि दिसंबर में 22 दिसंबर के समय सूर्य की किरणें दक्षिण में पड़ रही हैं। तो सूर्य की किरणें जब 22 दिसंबर को दक्षिण में पड़ रही हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पाई जाएगी। अगर हम जस्ट विपरीत देखते हैं 21 जून को, तो 21 जून को उत्तरायण है, और उत्तरायण का मतलब है आयन का मतलब सूर्य की किरण है, और उत्तर का मतलब उत्तरी गोलार्ध। तो अब 21 जून को सूर्य की किरण उत्तरी गोलार्ध में है, और जब सूर्य की किरण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी हो जाएगी। ठीक ना, चलेगा। यहां से हम इसको इस प्रकार समझाते हैं आपको। देखिएगा दो डेट लेते हैं हम। सबसे पहले हम लेते हैं 22 दिसंबर की डेट। 22 दिसंबर को क्या होता है बाबू? 22 दिसंबर को सर दक्षिणायन की स्थिति होती है। अब जैसे ही आपको पता चला कि 22 दिसंबर को दक्षिणायन होता है, आप देखिएगा आप क्या सोचेंगे, आप ये सोचिएगा कि अब इस समय 22 दिसंबर को जब दक्षिणायन है, सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में है, और सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिण में क्या होगी, दक्षिण में गर्मी होगी और इसके विपरीत उत्तर में सर्दी होगी। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ है। ये साउथ डायरेक्शन नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर और उत्तरी गोलार्ध, अर्थात पृथ्वी होती है विषुवत रेखा ये है, इसके ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर और इसके नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर। ठीक ना, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। तो 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरण दक्षिण में है तो दक्षिण में निश्चित रूप से यहां पर क्या हो जाएगी, दक्षिण में यहां पर गर्मी होगी और इसके विपरीत उत्तर में क्या हो जाएगी बाबू, देखिएगा कितना सिंपल सा है, उत्तर में सर्दी हो जाएगी। चलिएगा अब एक कोई ऐसा देश बताइएगा जो उत्तरी गोलार्ध में हो। हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में है, करके रेखा यहां से होकर गुजरती है। एक ऐसा देश बताइए जो दक्षिणी गोलार्ध में हो। चलिए हम ऐसा देश ले लेते हैं जिसके नाम में ही दक्षिण लिखा है, दक्षिण अफ्रीका। तो देखिएगा 22 दिसंबर को आपके भारत में क्या रहेगी, सर्दी, और उसी समय दक्षिण अफ्रीका में क्या रहेगी, गर्मी। यहां पर आयोग ने क्वेश्चन पूछ लिया, 22 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर आएगा, 24 दिसंबर आएगा, 25 दिसंबर आएगा, क्रिसमस डे, क्रिसमस डे का त्योहार भारत में कब मनाया जाएगा भाई, 22 से 23 24 25 लगभग सर्दी रहेगी, तो भारत में तो सर्दी मनाया जाएगा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में या देश की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में कब मनाया जाएगा ये त्योहार, गर्मी के मौसम में। कब मनाया जाएगा, गर्मी। आपने दिवाली मनाई अभी सर्दियों में, तो दक्षिणी गोलार्ध में कब क्या होगा इस समय, गर्मी होगी, आपको याद रखना है। ठीक ना, अगला देखिएगा फिर से बाबू, फिर से समझो। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक अगर डे है तो दूसरा नाइट है, अगर एक डे है तो दूसरा नाइट है, और डे और नाइट की बात करते हैं, दिन और रात की बात करते हैं, तो ये होते हैं 24 आवर्स के, अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अगर मैं कहूं कि दिन जो है वो 12 घंटे ना होकर 12 घंटे 30 मिनट का हो जाए, तो आप कहेंगे रात अपने आप 11 घंटे 30 मिनट की हो जाएगी। दोनों का योग कितना आना चाहिए, दोनों का योग आना चाहिए 24 घंटे। कहने का तात्पर्य है कि यदि दिन बढ़ेगा तो रात अपने आप छोटी हो जाएगी, और रात बढ़ेगी तो दिन अपने आप छोटा हो जाएगा। और इतना तो बाबू हमारे जानते ही होंगे कि सर्दियों की क्या बड़ी होती है, रातें या दिन। तो देखिएगा सीधा सा लॉजिक है, इससे अच्छा आपको एक्सप्लेन और कोई कर ही नहीं सकता। देखिएगा सीधा सा लॉजिक है, मैंने कहा कि कहां पर दिन बड़ा होगा कहां पर दिन छोटा होगा, क्वेश्चन पूछता है। आपको याद रखना है कि गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, तो अगर यहां पर दिन बड़ा कर दिया मैंने तो रात अपने आप छोटी हो गई, और सर्दियों के अगर दिन छोटे कर दिए तो रात अपने आप बड़ी हो जाएगी। अभी 22 दिसंबर आने वाला है, और 22 दिसंबर आएगा, दिसंबर का महीना आएगा, आप देखिएगा उत्तरी गोलार्ध भारत है, रात बहुत बड़ी होंगी दिन बहुत छोटे होते हैं, अभी से प्रक्रिया चालू हो गई है। तो अगर आपसे पूछे वो कि बताइए 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात, कुछ नहीं देखना है, 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात पूछ रहा है, छोटी रात कब होती है, छोटी रातें गर्मियों की होती है, छोटी रातें गर्मियों की छोटी रातें होती है, 22 दिसंबर को गर्मी कहां होगी, दक्षिणी गोलार्ध में। हो गया, इसी प्रकार देखिएगा अगर हम बात करते हैं 21 जून की, 21 जून को क्या होता है, तो सर 21 जून को उत्तरायण की स्थिति बनती है। अगर ए आपको समझ में आ गया उत्तरायण दक्षिणायन, तो पूरा का पूरा जलवायु मानसून समझ में आ जाएगा। और यहां पर भी वैसा ही लेंगे हम, एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर एक
दक्षिणी गोलार्ध है तो एक उत्तरी गोलार्ध है। अब सूर्य की किरण कहां पड़ रही, उत्तर में, तो उत्तर में गर्मी और दक्षिण में क्या हो जाएगी, दक्षिण में हो जाएगी सर्दी। एक ऐसा देश जो उत्तरी गोलार्ध में हो भारत, और एक ऐसा देश जो दक्षिणी गोलार्ध में हो दक्षिण अफ्रीका, एक ऐसा देश जो दक्षिणी गोलार्ध में हो दक्षिण अफ्रीका। तो यहां पर क्या हो जाएगी, 21 जून को भारत में गर्मी पड़ेगी, बेतहाशा गर्मी पड़ती है, और इसी के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में उस समय क्या होगी, सर्दी हो जाएगी। फिर से वही कहानी, एक सिक्के के दो पहलू है, एक डे है तो दूसरा नाइट है, एक डे है तो दूसरा नाइट है। गर्मियों के क्या बड़े होते हैं सर, दिन बड़े होते हैं। बताओ जून में दिन बड़ा लगता है आपको या दिसंबर का दिन बड़ा लगता है भारत में, जून का, क्योंकि गर्मी है। अगर दिन बड़ा है तो रात अपनी आप छोटी हो जाएगी। अब ये नहीं कह सकते आप कि दिन कितने घंटे का होगा, यही बताइए, तो सूर्योदय और सूर्यास्त पर निर्भर है। लेकिन इतना पक्का है कि दिन छोटा ही, दिन यहां पर बड़ा ही होगा और रात यहां पर छोटी ही होगी। उसी प्रकार यहां पर दिन क्या हो जाएगा, छोटा, और रात यहां पर क्या हो जाएगी, बड़ी दिखेगा। अगर एक समझ में आ गया तो दूसरा समझ में आ जाएगा। अब क्या बचता है, अब दो कंडीशन हमारी और बचती है, एक है 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता क्या है, देखिएगा थोड़ा सा नजारा। एक पृथ्वी है और पृथ्वी पर यह है आपका 0 डिग्री, इसी को विषुव कहते हैं। जब यहां पर सूर्य किरण पड़ेंगे, यहां पर है आपकी कर्क रेखा, यहां पर है मकर रेखा। मकर रेखा पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो कब पड़ती हैं, 22 तारीख को, 22 दिसंबर को। दिसंबर के बाद जनवरी में, यहां फरवरी में, यहां मार्च में, यहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई, 0 डिग्री पर। कितने मार्च को, 21 को। मार्च के बाद अप्रैल में, यहां मई में, यहां जून में, 21 जून को कहां पहुंच गई, कर्क रेखा पर। अब 21 जून को जब कर्क रेखा पर पहुंचेंगी फिर से लौटेंगी, तो जून के बाद जुलाई में यहां, अगस्त में यहां, सितंबर में फिर से कहां, तो विषुवत रेखा पर। यदि आपसे कोई पूछे कि विषुव दो बार क्यों होता है वर्ष में, आप कहेंगे विषुव, पहले ये बताओ विषुव होता क्या है, तो वो बंदा कहेगा कि जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर दो बार पड़े। आप कहिएगा विषुवत रेखा कहां होती, वो कहेगा पृथ्वी के बीचों बीच में, तो आप कहेंगे एक बार जब उत्तरायण होगा जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर जाएंगी, और एक बार दक्षिणायन होगा तब जाएंगी। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है वो कंडीशन बन जाती है इक्विनोक्स की, अर्थात विषुव कहते से। और विषुव में क्या होता है, दिन और रात, दिन और रात क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। पूरे वर्ष में केवल दो डेट ऐसी हैं, पूरे वर्ष में केवल दो तिथि ऐसी हैं जब दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को नाम दिया जाता है विषुव। क्या नाम दिया जाता है, विषुव। अब देखिएगा, आपने भी बहुत बखूबी से पढ़ा है कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, गलती मत कर देना बाबू। अगर वो दिन और रात पूछ रहा है, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात ध्रुवों पर होती है, किस गति का प्रभाव है, तो ऐसा मत कह देना कि गौरव सर ने बताया कि बताया था कि दिन और रात घूर्णन गति का प्रभाव है, लेकिन ध्रुवों पर नहीं, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात परिक्रमण गति कारण होती है। देखिएगा, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, यहां पर दिसंबर में सूर्य की किरणें दक्षिण में पड़ेंगी, अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर भी पड़ेंगी, तो दक्षिणी ध्रुव पर दिन हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव पर रात। यहां से आते आते दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून आते आते पूरा दिसंबर से जून तक का 6 महीने का पीरियड हो जाता है। अब सूर्य की किरण कहां पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तर ध्रुव पर दिन हो जाता है और दक्षिण ध्रुव पर रात हो जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ध्रुवों पर दिन और रात किस गति का प्रभाव है, तो आप कहेंगे परिक्रमण गति या वर्ष गति, परिक्रमण गति या वर्ष गति। क्लियर है सारी चीजें, चलेगा। एक बार से फिर देखिएगा, ये हमारा नंबर है और इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से एंट्री करके एडमिशन सुनिश्चित कर लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से जैसे हम लोग विधि पूर्वक पढ़ाते आए हैं, वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी आपसे प्रॉमिस किए गए हैं रवि सर के द्वारा या टीचरों के द्वारा, वो सारे के सारे आपके प्रॉमिस पूरे होंगे। आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर एस्टेट एंट्री लिखकर भेजना है, एडमिशन लेना है, और हमारे वेबसाइट से जुड़ जाना है और अच्छे से अपनी पढ़ाई करना है, ठीक ना। चलिएगा, तो इन्हीं संदेशों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।